मिस चौटाला, ये आपके पास आए थे ना सुरक्षा मांगने? हाँ आए तो थे सर, लेकिन 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 इन्होंने भगा दिया, बार बार भगा दिया है जी। पैन हिल रहा है और मेरे यहाँ 20 करोड़ के जेवर की चोरी हो गई जो मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए रखी थी है जी। पैन हिल रहा है। ओ बब्बू गोसे की शकल गए तो तुमको भी आगे यहाँ चौकी में यो कहनी चाहिए थी ना, मैं पुलिस रिक्वायरमेंट लगेगी, हमारे पास 20 करोड़ के जेबर है, माल हो रहा है यहाँ से वहाँ। ना तुमने यहाँ हमसे क्या कही कि शादी है, हमारी शादी है, बॉच मेनी कर लो, बॉच मेनी लगा दो। अरे ऐसे कैसे बता देता, आपका कहने का मतलब है कि इनविटेशन कार्ड भिजवा देता मैं। हाय हाय हे इनकम टैक्स के यहाँ पे है जी, कि मेरे यहाँ आओ और छापा मार लो। हाँ तो सही बात, बस मैं इतना चाहता हूँ कि कल जब पेंटिंग प्रदर्शनी स्टार्ट होगी तो आप लोग वहाँ पर आए। हाँ सब सब समझ में आ गया, हमारी मन ने कहीं और बिजी करने के लिए यहां से भेज दिया गया था, जो सब चाल थी। और हम फर्ज निभाने के चक्कर में फंस गए। हाँ सर। अरे लेकिन हमें तो हमारे जेबर चाहिए ना, जेब पर्स कैसा है? अबे लल्लू, अबे तैने जो है इनकी फोटो खींची सेठानी की कि कहीं और भी थाने ध्यान लगाया है? जी मैडम, मैं कुछ समझा नहीं, कैमरा की करवट से। जो 20 करोड़ के जेबर थे उनकी कोई फोटो वोटो लिए तैने? मैडम खींची थी मैडम है जी, मैंने अपने एल्बम में लगा के रखी है, वो एल्बम मैं आपके पास भिजवा देता हूँ है जी। फैन हिल रहा है। मिस चौटाला सर, ना ये सिर्फ आपकी बल्कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है, जल्दी से जल्दी वो 20 करोड़ के जेवरात और वो गुनाहगार पुलिस की हिरासत में होने चाहिए। आप चिंता ना करें सर, जब तक मैं गुनहगारों ने पकड़ ना लूं मैं चैन से ना बैठूंगी। भैया पागल हो गए क्या? ए, 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 गोपी क्या तू पागल हो गया, क्या हुआ? मैं पागल हुआ नहीं हूँ लेकिन हो जाऊंगा पागल इज्जत, मैं हसीनों की आंखों से चुरा लेता हूँ काजल इज्जत। हुआ क्या गोपी, शांति रख, हुआ क्या यार? एक तो पहले ही अपनी बीवी से मैं तबा बैठा हूँ, ऊपर से इसने मेरे सर पे गर्मा गर्म तेल डाल दिया। नहीं गुलगुले जी, वो तो ठंडा तेल था, मैं तो भैया की चंपी कर रहा था, ये खमका भाभी जी का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे भैया। यार अब ये भाभी जी ने क्या किया? करना क्या है यार, ये ना ये मैगजीन है ना, इस मैगजीन को ना मैं घर पे ले गया, इसमें ना इस अंग्रेजी मॉडल ने जो हार पहना हुआ है ना वो मेरी बीवी ने देख लिया और मुझे कह रही है मुझे ऐसा ही हार लाके दो। और तुम्हें तो पता यार मैं हूँ एक गरीब हवलदार, इज्जत कहाँ से लाऊं इतना महंगा हार इज्जत। यार गोपी इतनी सी बात, इतना खूबसूरत सा तो हार है, अगर यार ये गोपी देखा देखा नहीं लग रहा है? उस सेठ जी हमें वो जेवरों की फोटो देकर गए थे, उसमें भी ऐसा ही हार था ना? या है जी? पहली बार मैं किसी लड़की को देख रहा हूँ जिसके मुंह पे इतनी दाढ़ी है। अबे दाढ़ी ना, वो इसकी खोपड़ी है बुढ़ाऊ की। अबे ए अंकल जी बुढ़ा नहीं, या तो वो कर ले अपना काम या तुम तीनों ही घुस लो इसमें मैगजीन में। सावे, सावे। है जी। सावे। सावे। यही है जी मैडम जी, यही है, यही वो हार है जो मैं अपनी बेटी को गिफ्ट देना था, यही है जी। फैन हिल रहा है। तू इतना कंफर्म कैसे? अरे मैडम मैं अपने हर जेवर में एक मार्क लगाता हूँ जो सिर्फ मुझे दिखता है जी, वो मार्क इस जेवर में भी है जी। फैन हिल रहा है। ऐसा कैसे हो सके? इसका मतलब यो हार फ्रांस पहुंच गया, क्योंकि वो तो फ्रांस की मैक जीन्स है और ये मॉडल भी फ्रांस की है। मतलब कहीं मैडम ऐसा तो नहीं कि 20 करोड़ के सारे जेवर फ्रांस पहुंच गए?
अगर पहुंच गए हैं तो हमें भी फ्रांस जाना होगा। पेरिस जाने की तैयारी करो। क्या हो रहा है? प्रैक्टिस कर रहा था ना मैडम, वो फ्रांस जाना है ना, तो वहां पे सुना है ईफिल टावर है, तो उसको फिर कैसे क्या देखना है, बहुत ऊंचा है वो। ईफिल टावर देखेगा तू? अबे गांव अभी बसाना है, जनगणना वाले पहले आ गए हैं, पहुंच तो ले ट्रेन में बैठ के पहले तू फ्रांस। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है मैडम, फ्रांस पहुंचने के बाद क्या होगा मैडम, तैयारी तो सारी पहले करनी पड़ेगी ना। और वैसे मैडम हमने फ्रेंच सीखने के लिए एक फ्रेंच टीचर भी बुला लिया। या मॉम, बोलेंगे फ्रेंच हमिजदा, नहीं रहेगा कोई गमिजदा। हमारे फ्रेंच फ्राइज यहाँ बिल्कुल जो है फ्रेंचिया आ गए हैं फ्रांस जाने को। यो ना की जो लिस्ट मंगाई थी मैंने उसका बता लेंगे मैडम, हो गया कुछ काम कर रही है हम। अरे तो मैडम मैंने पता किया ना मैडम, मैं गया था पासपोर्ट ऑफिस, मैडम मुझे पता चला है कि पिछले एक हफ्ते में सिर्फ एक म्यूजिकल ग्रुप ही फ्रांस गया है। म्यूजिकल ग्रुप, इसका मतलब 20 करोड़ के जेबर वो म्यूजिकल ग्रुप ही फ्रांस लेके गया है, क्योंकि और तो कोई फ्रांस गए नहीं है, है जी पिछले एक हफ्ते में। इब जरा पता लगाओगी वो जो म्यूजिकल ग्रुप है वो अपने पैसे देकर गया है फ्रांस या किसी ने भेजा है किसी ऑर्गेनाइजर वगैरह ने। आइए मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज़दा है। ऊंचू राजू भाई, मम्मी टेरिस में पापा पेरिस में। अरे कहीं आप वो टीचर राजू भाई तो नहीं जो हमें फ्रेंच सिखाने के लिए आने वाले थे? अरे हाँ हूँ तो चू राजू भाई टीचर, मम्मी टेरिस में पापा पेरिस में। ओ, ओ, जियानू मारा जियानू, आओ आओ आओ। जीरू जीरू है। फ्रेंच टीचर? अरे अरे सर वो क्या है कि सर हमें कभी भी पेरिस जाना पड़ सकता है, तो आप जरा हमें जल्दी से फ्रेंच सिखा दीजिए प्लीज। ओ मारी पर जिंदगी ने आज तो विटम बना छे। मैंने फ्रेंच क्यों सीखी, क्योंकि मेरे को है ना फ्रांस जाना था, लेकिन मम्मी टेरिस में पापा पेरिस में, सब मटिया पलेट हो गया। लेकिन डोंट वरी, आप लोगों को मैं दो दिन में फ्रेंच सिखा दूंगा। वेल ब्रो एक बात बताओ, अगर इसको फ्रेंच में बोलना पड़े जैसे वाला व्हाट इज द नेम इज द पेरिस में ट्रैफिक जैम इज द What is the name is the go? Oh, you know French? Confusion. तो what is the name is the उसको French में कैसे बोलते हैं? Yeah. मारू नाम सूचे। पापा। Simple. मम्मी टेरिस में, पापा पेरिस में। अरे वाह वाह वाह। ये फ्रेंच तो एकदम गुजराती की तरह, मतलब हम लोग जल्दी सीख जाएंगे। hey, hey! और गुजराती तो थोड़ी थोड़ी मुझे पहले से आती है। ए भाई घोटालो नहीं करो, मैंने फ्रेंच नहीं बोला, मैंने गुजराती में ही बोला है। अरे तो तुम हमको गुजराती क्यों सिखा रहे हो, हमको फ्रेंच सीखनी है। हाँ तो सिखा दूंगा ना, लेकिन पहले ना आप लोगों को गुजराती सीखनी पड़ेगी। नहीं क्यों सीखनी पड़ेगी गुजराती, हम कोई सूरत थोड़ी जा रहे। अरे हमको फ्रेंच सीखनी है, हम लोगों को पेरिस जाना, पेरिस जा रहे हम। अरे भाई इसके पीछे ना बहुत सिंपल लॉजिक है, देखो मैं समझाता हूँ। पहले मेरे को गुजराती आती थी, उसके बाद मैंने फ्रेंच सीखी, मतलब पहले आप लोगों को भी गुजराती सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग है ना फ्रेंच सीख पाओगे। देख ले, देखे दाखला तरीके क्या होते हैं कि पहले हम लोग बाइसिकल चलाने सीखते, उसके बाद ही हम लोगों को मोटरसाइकिल आती है कि नहीं, है कि नहीं? वाला। वेल। आओ। मतलब कुओ?
या एक मिनट हेलो पता चल गया बाबू बोनट नो राजू भाई देखो यार राजू भाई तुम एक काम करो तुम जरा घर जाके थेपले बनाओ हा? और हमें कुछ सीखना होगा ना तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे हाँ तो उसमें क्या हो गया मम्मी तो टेरेस पे ही है ना बोल दे तो अभी बना देगी बैठ के ये वाइला वाइला ये व्हाट इज द प्रॉब्लम यू क्या है कि हमें आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत पसंद आया कौवा कलाकार है थैंक यू कौशल्या डोंट वेस्ट टाइम ये कौवा है डर्टी मैन है हमें जाना है टोनी ऑर्गेनाइजर के पास मेंबर मिलने के लिए अरे 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 सुनिए कहाँ टोनी ऑर्गेनाइजर अरे बाबू बोनट की आप पर नजर पड़ गई है अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कौवा कलाकार है What do you mean is the same thing in photo ranking is the आपका बोलने का स्टाइल भी हमें बहुत पसंद आया इसको ऊपर ले लो मुंह में घुस रहा है मैं बाहर है ना फॉरेन में बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करता हूँ अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक ग्रुप को फ्रांस में भेज दिया है आप लोगों को इटली भेजूंगा शो करने कल रात की आपकी फ्लाइट है वहाँ पे और रात में ही आपका शो हो जाएगा ठीक है हम पैसे के बगैर कुछ नहीं करता समझ गए हैं है? अरे सर आप कमाल करते हैं मैंने कहा फ्री में थोड़ी भेज रहा हूँ आपको पैसे दूंगा भर भर के पैसे दूंगा आप एक बार चलो तो सही मेरे साथ कहूंगा कलाकार है ए मेन तुम हमको पैसा देगा तो हम मून पे भी जाके परफॉर्म करेगा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग चलिए मेरे साथ और हाँ अपना जो है सामान ले चलिए बट कम सामान लेके आइएगा एक एक बैग बस कपड़े भर और हाँ ये जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो सब यहीं छोड़ दो आप नो आर इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ कैसे छोड़ेगा आई डोंट नो हिंदी अरे देखो बेबी कौशल्या हाँ वही बात है कौशल्या ऐसा है कि एयरपोर्ट पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है देखो चेकिंग वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं है मेरी सब सेटिंग एयरपोर्ट पे मैं ये सब ना अपने तरीके से पैक करवाऊंगा और भिजवा दूंगा ओके नो प्रॉब्लम आई गो टू इटली पीते पिज्जा एंड पास्ता महेंद्र ओके बाहर जाके अरे रायता फैल जाएगा अगर किसी ने देख लिया खुल जाएगा तो क्या करोगे आराम से भरो बार बार नहीं समझाऊंगा हेलो बाबू बोनट अरे आप लोग यहाँ कौवा कलाकार है भैया कौवा रैंडक सबसे बड़ा कलाकार तो तू हो रहा जो कलाकारों के इंस्ट्रूमेंटों में ओहो खूब जो है जेवर भर के छुपा के दूसरे देशों में भेज रहा और वहां बेच रहा वैसे ही जैसे वो अपना क्या वो परसों परेशान उनकी बेटी की शादी के जो 20 करोड़ के जेवर थे तुमने फ्रांस भेज दिए यार कितना दूर है बाय द वे बाबू तुम्हारा जो साथी पेंटर बन के आया था ना उसे फ्रांस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया वहां वेल अब है तुम्हारी बारी इज्जत मेरी बीवी को चाहिए रोज नहीं सारी इज्जत अबे तो बात आर यू बेटिंग फॉर क्रिसमस अरेस्ट करो सबने अरे मेरी अरे कुछ ले Well done, Miss Chautala. Well done. आपने इसी और इसके गैंग को पकड़ के न सिर्फ जेवरात की लूट का केस सॉल्व किया है बल्कि एक स्मगलिंग रैकेट का भी पर्दाफाश किया है. I'm proud of you. Thank you very much, sir. F.I.R.
एक्सक्यूज मी। भाई साहब ये गाड़ी यहाँ पर कितनी देर तक रुकेगी? क्या नहीं, मेरा मतलब है कि हम सोच रहे थे कि हम यहाँ चाय पी लेते। चाय क्या, खाना भी खा लो और पास के सर्किट हाउस में रुक भी जाओ। इंजन खराब हो गया है, अब ये ट्रेन सुबह ही चलेगी। क्या ठीक है, फिर मैं यही उतर लेता हूं। ये सामान मुझे दे दो। चलो मैं तुम्हें बाहर रिक्शे तक छोड़ दूं। साहब, आप हमारी चाय नहीं पियेंगे? Hmm.